हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरीश गंगवार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कहानी बीए फर्स्ट ईयर से अंडर द बैनियन ट्री, जो लिखी है आर के नारायण ने। अंडर द बैनियन ट्री जो टाइटल स्टोरी है आर के नारायण के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, अंडर द बैनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज़, जो कि 1985 में पब्लिश हुई थी। लेकिन इससे पहले ही ये उनके एक दूसरे वॉल्यूम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज़ 1947 में ही पब्लिश हो चुकी थी। इसकी आगे शुरुआत करते हैं, और आगे शुरुआत करने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको बताई है कि कब पब्लिश हुई और ओरिजिनली कब पब्लिश हुई थी। बात करते हैं कहानी की। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव में, जो दक्षिण भारतीय एक गांव की कहानी है, जहां पर लोग रहते हैं एक परपेचुअल एन्चेंटमेंट में। परपेचुअल एन्चेंटमेंट का मतलब है वो एक तरह के आकर्षण में, एक जादुई दुनिया में रहते थे ये मान सकते हैं। जादुई मतलब रियल में नहीं थी। वो कैसे था वो आपको अभी पता चलेगा। वो अनमाइंडफुल ऑफ दियर डिसमल सराउंडिंग्स, और उनके आसपास में जो भी डिसमल सराउंडिंग थी। डिसमल का मतलब है कि डर्टी या फिर निराशाजनक, ठीक है, यानी उनके आसपास का माहौल जो था वो काफ़ी खुशनुमा नहीं था। लेकिन वो अपने जादुई दुनिया में रहा करते थे, और जादू करने वाला यानी एन्चेंटर है नंबी। तो यहाँ पर जादुई दुनिया और जादू का, जादू करने वाले का मतलब है कि नंबी इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो लोगों को अपनी कहानियाँ सुना सुना कर उनको मोहित कर लेता है। यानी वो लोग अपनी दुनिया को भूल जाते हैं और कहानी वाली दुनिया में खो जाते हैं, तो उन्हें अपनी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए लोगों को बोला गया है कि वो परपेचुअल एन्चेंटमेंट में रहा करते थे। तो नंबी हमारा स्टोरी टेलर है, जिसकी कहानियाँ बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती हैं। कहानी फोकस करती है नंबी पर, जो कि एक ओल्ड मैन है, और उसकी जो एज है इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का मतलब कोई पक्की एज नहीं है उसकी, लेकिन ओल्ड मैन है ये हम मान सकते हैं। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि वो 60, 70, 80 का हो सकता है। इलिटरेट यानी अनपढ़ होने के बावजूद भी उसके पास ये गॉड गिफ्ट था कि उसकी इमेजिनेशन बहुत फर्टाइल थी, यानी अपनी कल्पना में बहुत अच्छी कहानियाँ बना लिया करता था। वो अपने दिमाग में इतनी अच्छे से कहानियाँ बन सकता था, और बड़ी आसानी से, यानी हर महीने एक नई कहानी वो तैयार कर लेता था। तो यही इस कहानी का मेन पार्ट है। फिर आगे करते हैं, जो नरेटर है, यानी नरेटर कौन, आर के नारायण। यानी आर के नारायण ने ये कहानी अपने बचपन के दिनों में देखी हुई है, सुनी हुई है, यानी वो उस व्यक्ति को जानते थे। तो नरेटर नंबी के मेथड्स को, उसके रिचुअल्स को अच्छी तरह से वर्णन करते हैं। यानी रिचुअल्स और मेथड क्या है, नाइट में नंबी को कहानी बतानी होती थी, उसी शाम को वो एक छोटी सी लैंप जलाकर बरगद के पेड़ के तने में टांग देता था, जिससे गांव वालों को सिग्नल मिलता था कि अब वह कहानी सुनाने के लिए रेडी हो गया है। मूनराइज के समय, यानी जैसे ही चंद्रमा दिखने लगता था रात में शाम को, तो सभी पुरुष, स्त्रियां और बच्चे मंदिर की ओर दौड़ते थे और बरगद के पेड़ के चारों ओर बैठ जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। तो नंबी क्या करता था, हर एक कहानी को बिल्कुल एपिक स्केल में, यानी महाकाव्य टाइप का, जैसे महाभारत, रामायण, इस तरह की कहानियाँ वो तैयार कर लेता था, और एक कहानी वह कई दिनों तक चलाता था। उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वो हर एक चीज़ को अलाइव कर देता था ऑडियंस के सामने, यानी श्रोताओं के सामने। इस तरह से वो कहानियाँ सुनाता था, इस तरह से मंचन करता था कि उन्हें लगता था कि जो कहानी है वो दरअसल उनके सामने चल रही है। ड्रामेटिक मॉड्यूलेशन ऑफ हिज वॉइस, यानी अपनी आवाज़ में बिल्कुल ड्रामा वाले मॉड्यूलेशन को लाता था, यानी वाणी का उतार चढ़ाव। और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर, अवसर पड़ने पर वह गीत भी गाया करता था, जैसे पुराने टाइम में हुआ करता था।
फिर कहानी के अंत में वह और पूरे गांव वाले जितने भी ऑडियंस होती थी वो सभी मंदिर के अंदर जाते थे और माता रानी को यानी देवी को धन्यवाद दिया करते थे। दिस गोज़ ऑन फॉर ईयर्स, ऐसा सालों साल चलता रहता है, साल दर साल चलता रहता है। नंबी गांव वालों को हंसाता रहता है अपनी कहानियों से, कभी उनको रुलाता है और वो उनको अपनी कल्पना के पंखों पर ट्रांसपोर्ट कर देता है, यानी कि अपनी कहानियों में वो उस तरह से लोगों को खो देता है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों को भूल जाते हैं और नंबी के द्वारा बनाई गई मनमोहक दुनिया में खो जाते हैं। फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो टर्निंग पॉइंट कब आता है, नंबी को ऐसा एहसास होता है कि उसकी कहानी कहने के तरीके में डिटीरियोरेशन होने लगता है, यानी गड़बड़ी होने लगती है, उसकी नरेटिव पावर्स ख़राब होने लगती हैं। तो एक शाम को, आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक शाम को क्या होता है, वह कहानी को शुरू करता है और लगभग एक घंटे तक चलता रहता है, लेकिन एक घंटे तक कहानी कहने के बाद वह लड़खड़ाने लगता है, अपनी कहानी को वो रोक देता है, याद करता है कि अब मैं आगे क्या सुनाऊँ। फिर वह माता रानी के आगे प्रार्थना करता है कि मुझे कहानी याद क्यों नहीं आ रही है, कहानी याद क्यों नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी उसे कहानी याद नहीं आती है। जो गांव वाले होते हैं वो धैर्यपूर्वक वो बैठे रहते हैं कि नंबी फिर से कब अपनी कहानी शुरू करेगा, लेकिन नंबी बिल्कुल मौन होके बैठा रहता है, कहानी उसके माइंड में चलती नहीं है। एक एक करके सभी गाँव वाले क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसा कई बार होता है, ठीक है, फ्यू मोर टाइम्स कई बार होता है। तो लोगों ने शाम को जलने वाले लैंप की ओर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि पहले नंबी क्या क्या करता था, लैंप जला देता था जो कि एक सिग्नल होता था लोगों के आने के लिए। तो कुछ समय बाद क्या होता है, जब लोगों ने आना बंद कर दिया मंदिर पे और कहानी सुनना बंद कर दिया, तो नंबी जाता है गांव में एक सुबह और लोगों से एक रिक्वेस्ट करता है कि मंदिर पर आएं, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही ग्रेट स्टोरी है उन्हें बताने के लिए। तो रात में काफ़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है बरगद के पेड़ के चारों ओर और सभी क्यूरियोसिटी में होते हैं, यानी बहुत जिज्ञासा होती है उनके अंदर। तो जब नंबी मंदिर से बाहर निकल कर आता है बरगद के पेड़ के पास, तो वह उन्हें बड़ी विनम्रतापूर्वक बताता है कि उसका जो स्टोरी टेलिंग है, यानी जो कथा कहना है, वो माता रानी की तरफ से एक उपहार था और अब माता रानी ने वो उपहार वापस ले लिया है। और फिर वह आगे कहता है कि जो मैंने अभी आपसे बात कही है ये इस धरती पर मेरे आखिरी शब्द हैं, और उसने ये भी कहा यही मेरी सबसे बड़ी कहानी है कि माता रानी ने मुझे उपहार दिया था कहानी कहने का, लेकिन अब उन्होंने छीन लिया है। ये शब्द कहने के बाद वह चुपचाप मंदिर में चला जाता है और अपना पूरा जीवन चुपचाप ही यानी मौन रहकर बिताता है। वन ग्रेट कंज्यूमर साइलेंस, यानी पूरी खामोशी, पूरी ज़िंदगी भर वो ऐसे ही रहता है। तो कहानी में अगर हम निचोड़ की बात करें कि आखिर इसकी थीम क्या है, तो आर के नारायण ने जो करेक्टर बनाया है नंबी, तो नंबी का ये मानना था कि जब आपको कहानी कहना नहीं आता है और लोग कहानी में आपको टोकने लगें कि आगे क्या, आगे क्या, आगे सुनाइए, तो समझो कि आपके कहानी कहने का कोई अधिकार नहीं है और आपको मौन रहना ही ठीक है। इसलिए नंबी बाद में मौन धारण कर लेता है और पूरी ज़िंदगी भर अपनी मृत्यु तक ऐसे ही रहता है। तो ये थी कहानी अंडर द बनियन ट्री। आपको कहानी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल टाइम।